जनपद में अगले 4 दिनों में गरज के साथ बारिश की संभावना है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार 4 दिनों तक ठंड ज्यादा रहेगी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश होगी। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले बीच में वर्षा हुई थी, जिसकी वजह से अभी सुबह और शाम घना कोहरा रहेगा, लेकिन जब वर्षा होगी तो मौसम साफ हो जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकले तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तथा वाहन चलाते समय अपने वाहन का हेडलाइट जरूर जलाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है, अभी ठंड अभी 3-4 दिनों तक इसी तरह का माहौल बना रहेगा। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थलों पर गरज के साथ छींटे भी पड़ेंगे, तो कुछ वर्षा होने की भी संभावना अगले 2-3 दिनों में व्यक्त की गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ठंड अभी 3-4 दिनों तक बनी रहेगी। देखिए घना कोहरा तो अब चूंकि वर्षा भी हो रही है, फिर हल्की बीच में थोड़ा मौसम खुल भी रहा है, तो घने कोहरे की स्थिति अभी है। अभी 4-5 दिन 4 दिनों तक घने कोहरे की भी स्थिति बनी रहेगी। जिस दिन वर्षा होगी उस दिन थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन अभी कोहरे की स्थिति सुबह शाम हमें प्राप्त होगी। सभी से यही अपील है कि लोग सुरक्षित रहें, और ठंड है और साथ ही कोरोना का भी दौर गुजर रहा है, तो उसी में जब जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें और मोटरसाइकिल की हेडलाइट ऑन करके ही ड्राइविंग करें, यातायात नियमों का पालन करें, जिससे कि सुरक्षित रह सकें।